नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? गॉड से रिक्वेस्ट होंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, वो है ओशन डी। ओशन डी का फुल फॉर्म होता है ओवर शॉर्टिंग एंड डिफेक्ट, लेकिन इसको समझने से पहले हम थोड़ा इसके बैकअप एंड पे जाते हैं। जैसे कोई भी हमारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुई इंडिया, दोस्तों मैं मोबाइल का एग्जांपल क्यों देता हूँ क्योंकि मैं मोबाइल फील्ड से हूँ। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो इंडिया में मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो सारा पार्ट यानी मैक्सिमम पार्ट वो चाइना से परचेज करती है, चाइना से परचेज करनी थी यानी इम्पोर्ट करती है। जैसे हमें किसी भी कंपनी में 10,000 मोबाइल फ़ोन बनाने हैं तो 10,000 की किट हम चाइना से परचेज करते हैं। अब किट क्या होती है, जैसे एक मोबाइल बनाने में हमें 50 से 60 या 70 पार्ट लगते हैं, तो वो जो 10,000 का टोटल मटेरियल हो गया उसे बोलेंगे हम 10,000 की किट। यानी एक मोबाइल का अगर 60 पार्ट लग रहा है तो 10,000 का 10,000 × 60 हो जाएगा, ये हमारा सारा पार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमने ये 10,000 की हमारी किट है। अगर 10,000 की किट हमने बनाया, ठीक है दोस्तों, इनपुट किया यानी उसे प्रोसेस मिल गया मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए, उसमें से हमने 9,990 फ़ोन तो बना दिए, लेकिन 10 फ़ोनों में क्या हो गया, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम आ गई। जैसे किसी फ़ोन में कैमरा नहीं काम कर रहा, किसी में माइक नहीं काम कर रहा, किसी में स्पीकर, किसी में LCD, किसी में ब्लूटूथ, किसी में GPS, अलग अलग फेलियर आ गए, यानी 10 मोबाइल फ़ोन हमारे नहीं बन पाए। तो 10 मोबाइल फ़ोन में अलग अलग डिफेक्ट हो गए, डिफेक्ट जैसा बता देंगे। और डिफेक्ट ये किस रीजन से आए होंगे, ये हो सकता होगा कि जैसे कैमरा का डिफेक्ट आया गया, कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि कैमरा का जो पार्ट हमारा चाइना से आया है वो वहीं से डैमेज होके आया है, या NG है वो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, या ऐसा हो सकता है कि हमारा ऑपरेटर जो लगा रहा है उसकी FFC लगाते समय फाड़ दिया हो, ठीक है, लगाते समय फाड़ दिया हो या प्रॉपर लगाया नहीं, कनेक्टर डैमेज कर दिया। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले वेंडर और प्रोसेस को समझ लीजिए। वेंडर मीन्स क्या होता है, जहाँ से हमारा मटेरियल परचेज करके आया गया, उस मटेरियल में प्रॉब्लम है तो वो वेंडर का हुआ, लेकिन अगर हमारे एंड से बनाने में हमने उसको मटेरियल को डैमेज कर दिया तो क्या हो गया, हमारा वो प्रोसेस का हो गया, ठीक है। तो ओशनडी और वेंडर और प्रोसेस की दो प्रकार की होगी। अब इसका फुल फॉर्म क्या, ओवर शॉर्टिंग एंड डिफेक्ट, ठीक है। जैसे कैमरे की प्रॉब्लम आ गई, तो कैमरे में मान लीजिए मोबाइल में 60 पार्ट लगने, तो कैमरे के रीजन से हमारे 59 पार्ट जो हो गए ओवर शॉर्टिंग हो गए, और डिफेक्ट क्या हुआ हमारा, कैमरा। तो इसी से नाम पड़ा ओवर शॉर्टिंग एंड डिफेक्ट। अब डिफेक्ट कैमरे के रीजन से हमारे जो 59 पार्ट्स हैं वो यूजलेस हो गए, क्योंकि उसका रख रखाव करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम जब चाइना से कैमरा आएगा तभी हमारा मोबाइल फ़ोन बन गया। अब कंपनी में क्या देखा जाता है कि इस कैमरे के रीजन से हमारा अगर एक मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट 10,000 है यानी 10,000 रुपये है, तो एक कैमरे के पार्ट की वजह से हमारा 10,000 का फ़ोन नहीं बन पाया, यानी एक कैमरा अगर लॉस हुआ यानी डैमेज हुआ वेंडर एंड से हो या प्रोसेस, तो हमारा 10,000 रुपये का लॉस हुआ प्रेजेंट टाइम में, ये मान के कंपनी में काम किया जाता है। तो हर कंपनी चाहती है कि हमारा ओशन डी कम से कम हो, ठीक है, वेंडर हो या प्रोसेस हो, लेकिन वेंडर के ऊपर भी फोकस किया जाता है कि वेंडर को बता कि भाई आपकी किट में 10,000 का हमने ये लिया मटेरियल लिया, उसमें से ये प्रॉब्लम आ गई, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस जो हम बनाने में जो भी तरीका अपना यूज करते हैं, ऑपरेटर की जैसे हैंडलिंग नहीं मैंने बताया, जैसे FFC डैमेज कर दिया उसने, कनेक्टर को डैमेज कर दिया, तो हम प्रिकॉशन लें कि भाई प्रोसेस की ओशनडी ना हो, ठीक है, और वेंडर को हम इन्फॉर्म करके वेंडर की ओशनडी नहीं, क्योंकि ओशनडी वर्ड जो है ये कंपनी के लिए बहुत ही खतरनाक है, डेंजर है, इससे क्या इसमें लॉस ही लॉस है। तो हर कंपनी चाहती है कि हमारी ओशनडी जो है बिल्कुल मिनिमम हो। ये 6 टूल का ये पहला टूल होता है ओशनडी, ठीक है। अब वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।